कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणहत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वदर्शक मित्रों डीजे पाठशाला में हूँ इनल भोगैता हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। सर्व ने जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। आजनो आपणो विषय भगवान सत्यनारायण की कथा है। पहला वीडियो में अपने भगवान ना प्रथम अध्याय श्रवण करूँ। हवे आ वीडियो में आप भगवान कथाना द्वितीय अध्याय अंदर प्रवेश करिए। सुत उवाच अथान्यत् संरक्षामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये आसुद विप्रोति निर्धनः। सुत पुराणी मुनि कहवा लाग्या, एक काशी नगरी नी अंदर एक सदानंद नामना ब्राह्मण रहे छे। ए ब्राह्मण पोतानो जीवन निर्वाह चाले, धर्मनी रक्षा थाय, धर्मनो प्रचार थाय माटे दररोज भिक्षा मांगवा माटे निकले छे। एक वक्त जगतना पालनहार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कृष्णचंद्र भगवान विष्णु मनथी स्मरण करे छे, मारे कथानो प्रचार करवो छे। कथानो प्रचार करवा माटे गेहे गेहे जने जने जवा करता ब्राह्मण ने निमित्त बनाव्या। ब्राह्मणना छ प्रकारना कर्म छे, कथा करवी, कथा करावी, भणवू, भणावू, दान देवू अने पछी दान लेवू, आ षड़ कर्म छे ए ब्राह्मणना छे। तो परमात्माए वृद्ध ब्राह्मणनो स्वरूप लई आ निर्धन ब्राह्मण पासे आव्या अने पूछे छे, दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वं प्रपच्छ द्विजमान मादयत। कहवा लाग्या, वृद्ध ब्राह्मणनु स्वरूप लई अने परमात्मा हता ए ब्राह्मण पासे आव्या। ब्राह्मण ने प्रणाम करी कहे छे कि हे विप्रवरे ब्राह्मण, आप शा माटे भ્રમણ કરો છો, ફરવાનું કારણ શું છે, કૃપા કરી મને સમજાવો। ब्राह्मण कहे छे कि प्रभु, किमर्थं भ्रमशे विप्र मही नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तमः। कहे छे, प्रभु हूँ दरिद्र ब्राह्मण छूँ, भिक्षार्थे मारा परिवारनु जीवन निर्वाह चाले माटे भ्रमण करूँ छूँ, आप कहीं जाणता हो तो कृपा करी मने समझाओ। वृद्ध ब्राह्मण रूपे आवेला भगवान कहवा लाग्या, सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रदः। सत्यनारायण की कथा जे केवी छे, आखा जगत ने जल्दी में जल्दी फल प्राप्ति करावे छे, माटे हे ब्राह्मण आप कथा करो, आप व्रत करो, आप जप करो, तप करो। आवा उद्देश्य साथे परमात्मा ए ब्राह्मण ने कथा समझावी, अंतर ध्यान थई गया। ब्राह्मण अंतर ध्यान थई गया, मन नी अंदर पेला ब्राह्मण विचार करे छे, कोण आव्या था, क्यांथी आव्या था, कहीं याद नथी, पण कर्म करवानुं छे याद छे। ए मननी अंदर संकल्प कर्यो, ए ब्राह्मण ने आखी रात निद्रा न आवी। बीजे दिवसे मन में संकल्प कर्यो, मारे व्रत करवुं छे। व्रत करवाना भावना थी मन में संकल्प कर्यो कि आजे जे धन मळे, जे द्रव्य मळे, एनाथी मारे हूँ भगवाननी कथा करीश, हूँ भगवाननी कथा करीश, एवो मनथी दृढ़ संकल्प कर्यो। ए संकल्प मात्र थी परमात्मा ने दया ने कृपा थी ब्राह्मण ने पुष्कळ धन ने द्रव्य मळ्युं। ए धन ए द्रव्य थी ब्राह्मणे भगवाननी कथा करी, कथाना प्रभाव थी सर्व दुःख विनिर्मुक्त, सर्व संपत् समन्वित, सब भूव स्वद्विज श्रेष्ठो व्रतमस्यास्य प्रभावतः। आ व्रतना प्रभाव थी ए सर्व दुख माथी मुक्त थई, संपत्तिवान थई, धन धान्य दिवान थई अने मोक्ष गति ने एमणे प्राप्त करी। आव अद्भुत कथानु महिमा समझी ऋषिओ सुतजी ने कहवा लाग्या कि हे सुतजी, आपे सुंदर मजानु व्रत कथा अमने संभळावी। ब्राह्मणे जगत में पेलवेली कथा करी छे, तो हवे आगळनी कथा संभळावो कि ब्राह्मण पासेथी कथा कोणे सांभळी, ब्राह्मणे कोने कथा संभळावी, एक कृपा करी समझाओ। त्यारे सुतजी कहवा लाग्या, एक वक्त ए ब्राह्मण हता परिवारजनों साथे भक्ति भाव समन्वित भगवाननी कथा करे छे।
कथा करता था एवे समय बिल जाति कठियारो निकलो। लाकड़ा नो भारो माथे हतो, तरस लागी, तृषा लागी हती। तमाम घर बंद जोई ब्राह्मणना घर नी अंदर गयो। ब्राह्मणना घर नी अंदर प्रवेश करी कहे छे के जुए छे, ए ब्राह्मण आप सानू व्रत करो छो, आ करवाथी मळे छे शुं, कृपा करी मने समझावो। ब्राह्मण कहे छे के हूँ दरिद्र ब्राह्मण हतो, भगवान ने कथा करवाथी खूब सुखी थयो छूं। सुखी थयो, संपन्न थयो, समृद्धिवान थयो, संततिवान थयो, सम्मतिवान थयो। आवा अनेक प्रकारना विचार थी मननी अंदर दृढ़ संकल्प करी कठियारो कहे छे मारे पण कथा करवी। ब्राह्मण पासे थी कथानो विधि विधान समझ्यु, प्रसाद ग्रहण करी पोते चालतो थई गयो। लाकड़ानो भारो माथे राख्यो, मनमां संकल्प कर्यो कि प्रभु कथा करवी छे पण मारी पासे धन नथी, कंई द्रव्य नथी, दररोज लाकड़ा वेचूं એનાથી જે ધન મળે એનાથી માં હું પ્રભુ મારા ઘરનું જીવન નિર્વાહ ચલાવું છું, પણ એવો આજે સંકલ્પ કરું કે આજથી આ લાકડા મને વેચાય, એનાથી જે ધન મળે એનાથી આપની કથા કરીશ। આવો ભાવ સાથે, આવો પ્રેમ સાથે મનમાં સંકલ્પ કર્યો। સાદા લાકડા પરમાત્માએ અગર ચંદનના બનાવ્યા, લાકડાની બમણી કિંમત મળી, તેથી તેનું હૃદય પ્રસન્ન થયું। બધી સામગ્રી સવાયા પ્રમાણે ખરીદી, પોતે ઘરે જઈ ब्राह्मण ने बोलावी, विधिवत भगवान नी कथा करी। कथाना प्रभाव थी एक अठियारो आलोक माथी सर्व सुख भोगवी मोक्ष गति ने प्राप्त करे छे। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत, इहलोके सुखम भूत्वा चान्ते सत्यपुरम ययो। अंते सत्यपुर नी अंदर जाए छे, जे कोई पण मनुष्य भगवान नी भाव प्रेम पूर्वक कथा करे छे એ અંતે સત્યલોકનું માં પ્રાપ્ત કરે છે। આવા ભાવ સાથે દ્વિતીય અધ્યાય પરમાત્માના ચરણની અંદર અર્પણ કરીએ। બોલો શ્રી કૃષ્ણ અર્પણમસ્તુ। આજનું સત્ર અહીં વિરામ કરીએ છીએ। જય દ્વારકાધીશ, જય શ્રી કૃષ્ણ।